आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। The famous pottery of Dausa, the renowned forest honey of Northeast, the celebrated saffron from Kashmir, and the much-loved incense sticks of Mysore. The Khadi and Village Industries Commission is supporting and promoting these and many other local products of international quality made in remote corners of India, providing them a platform to reach consumers in all parts of the country and the world through Khadi India. A number of existing and new schemes launched by the Khadi and Village Industries Commission are contributing to India's inclusive growth by creating opportunities for employment and upliftment for people living in India's villages. Through monetary support, training assistance, marketing and distribution channels, Khadi India is contributing to the Prime Minister's vision for a vocal for local economy. Sathiyo, कोरोना संकट में हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। The basic premise of KVIC is to promote local products. And the Prime Minister is saying the same thing, vocal for local. आज खादी के जो products हैं, अगर उनको हम vocal करेंगे तो naturally जो हमारे जो local products हैं वो अपना एक international brand बना सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी brand को देख लीजिए, जो बहुत बड़ा brand है वो local ही हुआ करता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको जो है promote किया, वोकल किया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। आज खादी भी जो एक बहुत लिमिटेड हुआ करता था, जिसकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, जिसके प्रोडक्ट्स एक पर्टिकुलर एरिया में हुआ करते थे, वो आज प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में हैं, पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो नेचुरली दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लोकल प्रोडक्ट गोइंग वोकल, या वोकल हमको करना है अपने लोकल प्रोडक्ट्स को। Going beyond India's famous textiles, KVIC has focused its efforts on village industry products that have potential for huge demand. KVIC launched the Honey Mission in 2017 to boost production of honey and bee-related products in the country and promote indigenous varieties of honey from across India. This mission is simultaneously providing additional income to Adivasis and farmers and employment to youth in the villages. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देश में वाइट रेवोल्यूशन के साथ साथ स्वीट रेवोल्यूशन की भी ज़रूरत है। द एम बिहाइंड दिस वाज वेरी क्लियर, इंक्रीज हनी प्रोडक्शन, इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड एट द सेम टाइम प्रोड्यूस मोर
हनीबीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और पिछले 3 सालों में KVIC ने करीब 1,40,000 बी बॉक्सेस पूरे कंट्री में किसानों को, आदिवासियों को, अनएम्प्लॉयड यूथ्स को दिए और लगभग 9,000 टन का हनी का प्रोडक्शन एडिशनल हुआ। हनी मिशन के पीछे जो और भावना है वो ये है कि इससे किसान तो एम्पावर्ड हो ही रहा है, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उस क्रॉस पॉलिनेशन से उसके जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन भी जो है 30-40% ज़्यादा होता है। दैट मीन्स कि एडिशनल इनकम ऑफ फार्मर, एडिशनल प्रोडक्शन फॉर द कंट्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हनी मिशन को बहुत एग्रेसिवली जो है लॉन्च किया गया और ये मिशन लोगों को बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर कर रहा है। To check rising imports of products like incense sticks, KVIC launched the Khadi Agarbatti Atmanirbhar Mission that aims to create more jobs in the local agarbatti making industry. Through this mission, KVIC is hand-holding artisans and providing automatic agarbatti making machines and powder mixing machines to these artisans through established manufacturers. भारत सरकार ने उस वक्त जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको घटाकर 10% कर दिया और बाद उसे 5% कर दिया। और 2011 में जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी थी जो लगभग 1% से कम हुआ करती थी, 2018 में 93% हो गई। जो अगरबत्ती थी, रॉ अगरबत्ती, वो इम्पोर्ट हो रही थी और उसके साथ साथ जो स्टिक होती है जिससे अगरबत्ती बनती है वो भी इम्पोर्ट हो रही थी, उसको रोका गया। भारत सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाया लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए और उसके बाद जो है अगरबत्ती की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आज मैं कहूँगा कि लाखों लोग उससे जो है दोबारा जुड़ने लगे। KVIC's support and encouragement to domestic production has impacted the daily wages of agarbatti artisans like Farida, who works at one of KVIC's partner institution, the Vaibhav Gram Udyog Sangh in Mysore district in Karnataka. वो अच्छी हैं, आए के बात दिल खुश होता है, यहाँ चाना करता है, दिल भी यहाँ बनाना करते हैं, वहाँ के लोग भी अच्छे, क्या भी नहीं दिल लगता, मजदूरी कुजी क्या भी नहीं है तकलीफ, ये रोज देती करते एक रोज दे डालती पैसे पैसे की क्या भी नहीं, क्या तभी रहा तभी कासम पूछने का रहा तभी ले लगा को देती, अब क्या तभी हो नाच करती हैं, अब हम एक संगाज बनना है क्या तभी हो नाच फीजा कुछ होना कर तो आते मनीष बोलते मनीष फोन करते मनीष देखो भेजती। To generate opportunities for unemployed youth and better incomes for the community of over 50 million potters in the country, KVIC launched the Kumhar Sashaktikaran Yojana. इस योजना का जो मेन मकसद है कि कुम्हार हमारे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो पत्थर की चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जिसमें बहुत मेहनत होती है, जिसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। और उसके बाद के वीसी ने उनकी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद उनको इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स दिए गए। आज एक इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील 800 से 900 कुल्हड़ डेली बनाता है, जबकि वो अपनी पत्थर की चाक से 100-125 मैक्सिमम 150 कुल्हड़ बनाया करते थे, जिसमें उनको पूरा दिन लगता था और बहुत मेहनत होती थी। मिट्टी बनाने के लिए ब्लेंडर्स दिए गए, पग मिल्स दिए गए। एक कुम्हार 800 केजी मिट्टी एक हफ्ते में बनाता था, आज वो सिर्फ 8 घंटे में बनाता है। तो इसने पूरे कहना चाहिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। वो सारे के सारे आज इस आर्ट से जुड़ गए हैं और लगभग हम लोगों ने 18,000 पॉटर व्हील्स अभी तक पूरे देश में बाँट कर करीब 80,000 लोगों को उनके पैरों पर खड़ा किया है, जो एक ऐसा मिशन है जिसने उन गरीब लोगों को जो है अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है जो समाज की मुख्यधारा से बिल्कुल पीछे हट गए थे। Jagmohan Prajapati, a kumhar from the renowned pottery village of Baswa in district Dausa in Rajasthan, has felt the direct impact of this scheme. 25-year-old Jagmohan's monthly income has improved substantially due to the tools and training provided under this mission. जैसे हम 12 इंची के गमले बनाते हैं तो इस पे तो बनते हैं 20 और पत्थर के पे बनाते हैं जैसे हाथ से बनाते हैं उस पे बनते हैं 10, इतना फायदा है, आधा फायदा है।
इस पर जैसे कैसे भी काम कर लेते हैं, कैसे भी बैठ जाओ काम करने में हमको ऐसे इसी मतलब इस पर ज़्यादा फ़ायदा है। उस पर जैसे शरीर को जोर आता है, हाथ पैर दुखते हैं, इस पर थोड़ा आराम मिलता है शरीर को। जैसे हम दो से गए थे ट्रेनिंग करने के लिए खादी बोर्ड में, जैसे वहाँ पे जैसे कप बनाने बताया, गिलास पोट वगैरह बनते हैं, जैसे मेले के आइटम होते हैं, जैसे मेले में बिकने वाले, कम मिट्टी लगती है, मेहनत तो बरोबर होती है, कम मिट्टी में जैसे पैसे ज़्यादा मिलते हैं इसमें। Another community of artisans that is getting empowered by KVIC is that of leather craftsmen, for whom measures are being taken to promote social and economic equality. सड़कों पर बैठे हुए लोग जो जूतों पे पॉलिश करते हैं या जूते चप्पलों को रिपेयर करते हैं, जो उन्हें बहुत हीन शब्दों से मोची या इन तरीके के शब्दों से बुलाया जाता है, खादी कमीशन ने ये डिसाइड किया कि इनके जीवन में भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। और उसके बाद एक प्रोग्राम बनाया गया जिसके तहत इनको सड़कों से लाकर उनको एक एयर कंडीशन रूम में ट्रेनिंग दी गई और उनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स दिए गए, जिससे कि सिर्फ वो पॉलिश करके अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें बल्कि जूते को रिपेयर भी करें और साथ साथ अगर जूता बनाना चाहते हैं, चप्पल बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकें। उनको भी आत्मनिर्भर बनाने का काम KVIC कर रही है। और वो जो एक नाम उनका जो था, वो एक स्टिग्मा था एक तरीके से, उस नाम को हटाकर KVIC ने उनको चर्म चिकित्सक का नाम दिया। और अब हमारे ये चर्म चिकित्सक देश में एक बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और वो जब सड़कों पे बैठते हैं तो एक पोस्टर लगा के बैठते हैं जो KVIC प्रोवाइड करती है, उसमें कहा जाता है कि ये जूते चप्पलों का ब्यूटी पार्लर है, जहाँ पर हर तरीके के जूते चप्पलों का सुंदरीकरण किया जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होता है और आज उनको भी जो है बहुत सारा काम मिलता है। An important pillar of KVIC's efforts has been to empower women through jobs that they can carry out from the comfort of their homes. 18-year-old Sonam Verma, a resident of Sevapuri village on the outskirts of Varanasi, collects the raw materials needed for making papars every morning from the nearby Lijjat Papar unit. She then takes the dough home, rolls it into papars and dries them in the sun with the help of other women in her family. In the evening, she goes back to the unit to package the finished products with the help of women from her self-help group. मेरे परिवार में चार लोग हैं, मम्मी पापा भाई और हम। और उसके बाद इस पैसे से हम पहली बात तो भाई को पढ़ाना चाहते हैं और उसके बाद उसको पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते हैं। पापा का सपना है ये, इसमें काम आता है फीस देने में, और मेरी कोचिंग की फीस है, मेरे स्कूल की फीस है, और जो घर का राशन है उसमें काम आता है। इस संस्था से जुड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव हो गए। पहले तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, फीस भी नहीं भर पाती थी, उसके बाद अब तो पूरी काम हम लोग की हो जाती है। These livelihood opportunities enabled by Khadi India have provided financial freedom and a sense of confidence to many women like Seema Kohri from the village Sikri Kalan in district Ghaziabad. Seema works at the Manav Seva Samiti Khanjarpur in Modinagar, creating herbal cosmetic products that are in high demand at the Khadi India stores. मेरा नाम सीमा है और हम गांव में रहते थे सीकरी कला में, और उसके बाद जब हम यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, ये रोज़गार हमें मिला है। उसके बाद हमने मतलब घर बनाया है, मकान बनाया है, उसके बाद हमारे जो प्रोग्रेस हुआ है हमारे घर में भी, बच्चों को ट्यूशन वगैरह ये पढ़ाने के लिए, बहुत से कंप्यूटर वगैरह के लिए भेजते हैं, मतलब बहुत से प्रोग्रेस हुए हैं हमारे जीवन में। घर में रहते थे तो किसी से भी नहीं मिलना ना जुलना, किसी से भी बात करनी, लेकिन जब हम बाहर आए हैं सभी को जानते हैं, आस पड़ोस में भी हैं, यहाँ कंपनी में भी हैं, सब आते जाते हैं।
Besides its focus on generating employment in the rural economy, KVIC is additionally using many of its schemes to rebuild the lives of families affected by the unrest in Jammu and Kashmir and reconnect them with the mainstream by providing them sustainable and respectable livelihood opportunities. देखिए जम्मू कश्मीर जो है वो अगर मैं कहूँ देश का ताज है तो शायद गलत नहीं होगा, और वहाँ के लोग जो है हमसे थोड़े से दूर होते चले जा रहे थे। उसका एक कारण था कि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, और जब किसी के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं तो किसी भी काम में जुड़ जाता है। KVIC ने वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स खोले, महिलाओं को जो वहाँ की जो एक दक्षता होती है लोगों की शॉल के ऊपर कढ़ाई करने की, उनकी ट्रेनिंग्स देना शुरू की, और किसान जो किसानी के साथ साथ कुछ और करना चाहते थे उन्हें ट्रेनिंग देकर बी बॉक्सेस दिए गए और हनी मिशन से जोड़ा गया। तो ओवरऑल वहाँ पर जो है बदलाव लाया गया है और KVIC इसमें पूरे जोर से काम कर रहा है। In 2016, KVIC started a napkin stitching center at Nagrota in Jammu that today employs nearly 300 women artisans to make over 10,000 khadi handkerchiefs a day. पहले हम यहाँ पे सिर्फ stitching का काम जानते हैं, cutting का कुछ idea नहीं था। फिर हमारी training हुई, दिल्ली में हमें बुलाया गया, वहाँ proper हमारी training हुई। और training के बाद हमने यहाँ पे cutting का काम start किया। अभी मैं cutting में ही करती हूँ काम। हमारी जो पहले जो मेरा मतलब मेरे हस्बैंड ही कमाते थे, अभी जैसे मैं भी काम में कर रही हूँ तो इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है और फैमिली को भी सपोर्ट मिली है। KVIC support to women like 33-year-old Namrata and her family continued even during the COVID-19 lockdown when the napkin stitching center was converted into a center for making khadi masks. जब ये पेंडेमिक हुआ और देश में लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को, उसके बाद हमारे लाखों आर्टिजन्स जो हैं उनका काम छिन गया एक तरीके से। KVIC ने डिसाइड किया कि हम जो हमारी स्टिचिंग यूनिट्स हैं उनको हम मास्क बनाने में कन्वर्ट कर देंगे, और 15 या 20 अप्रैल के आसपास तक हमने अपनी यूनिट्स को जो है उस तरीके से ट्रेन किया। जो हमारे आर्टिजन्स चरखा चलाते थे उनको स्टिचिंग में ट्रेन किया, और एक आंदोलन से चल गया पूरे देश के अंदर। और अभी तक मुझे बताने में खुशी है कि कम से कम 18 लाख से ज्यादा मास्क खादी कमीशन बेच चुका है। Furthering its focus on Kashmir, KVIC on 22nd August 2017 revived its 80 years old defunct departmental training center in Pampore and started the production cum marketing cum training center to provide training in 11 disciplines indigenous to Kashmir, like Pashmina spinning and weaving. Additionally, KVIC collaborated with the Indian Army to take its honey mission to the border areas. Young men like Shabir Ahmed Pirzada from Kupwara have benefited from this collaboration both psychologically and economically. Today, Shabir produces high altitude forest honey that is in high demand at the Khadi India stores. तो उन्होंने ट्रेनिंग्स दी हमें, उनके थ्रू से हमने बड़ी ट्रेनिंग्स ली और नई नई टेक्निक्स सीखी, जिन टेक्निक्स की वजह से मतलब हम आज ये कह सकते हैं कि मतलब कोई भी, मैं ही क्या, कोई भी आदमी जिसको दिल से ये काम करना होगा वो थ्रू KVIC जाए। और उनका जो प्लेटफॉर्म मिला हमें वो आर्मी के थ्रू मिला, तो आर्मी और KVIC के बीच में जो कोलैबोरेशन थी इस रिगार्डिंग इस हनी मिशन के, वो बड़ा ही अच्छा था और बड़ा फ्रूटफुल रहा वो। और उसका आउटकम भी जब हम देखते हैं, जो चूंकि वो मॉडर्न टेक्निक्स लेके आए हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लेके आए हैं, उनके थ्रू से हम जो है हमारा जो ड्रीम है वो ज़्यादा आगे जा रहा है, बढ़ रहा है। तो खुश है हम कि डिपार्टमेंट से भी कोई आ रहा है, आगे देख रहा है, इसको देख रेख कर रहे हैं। Khadi and Village Industries Commission's multi-dimensional efforts in promoting rural enterprises, rehabilitation and self-employment opportunities for people living in India's small towns and villages is fulfilling the Prime Minister's dream for a vocal for local economy. These endeavors by Khadi India have captured the interest of consumers who are realizing the worth of these Make in India products. फर्स्ट टाइम KVIC ने गिफ्ट कूपन्स लॉन्च किए,
और पिछले 3 सालों के अंदर करीब 107 करोड़ के गिफ्ट कूपन खादी कमीशन ने भेजे। जो PSUs हैं उनके साथ एग्रीमेंट किए, अगर कोई PSU अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देना चाहता है तो हम लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि आप कुछ और न दें, खादी का गिफ्ट कूपन दे दें या खादी के प्रोडक्ट्स को दे दें, जिसने खादी के सेल को बहुत बढ़ाया। और खादी का जो एक क्लाइंटेल था, जो हमारी रीच थी, वो बहुत बढ़ती चली गई। द टोटल टर्नओवर ऑफ खादी इन विल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग 2019-20 है रीच टू अराउंड 90,000 crores। इट वॉज हाइएस्ट एवर बाई KVIC एंड इट कैनॉट बी कम्पेयर्ड बाई एनी FMCG इन द कंट्री।